बच्चों, अब वर्तमान काल के प्रकार हम देखते हैं। इसके पहले हमने भूतकाल के प्रकार देखे, भूतकाल के 6 प्रकार देखे, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल और हेतु हेतुमय भूतकाल। अब वर्तमान काल के कुल 3 प्रकार हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वर्तमान यानी प्रेजेंट, मौजूदा काल यानी समय, वह समय जो मौजूद है, जो चल रहा है, जो अभी है, उसी को वर्तमान काल कहते हैं, यानी मौजूदा समय। अब वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे कि यह वर्तमान काल में है? तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य अभी अभी हुआ है, या अभी चल रहा है, या अभी हो रहा है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल का पहला भेद हम देखते हैं, सामान्य वर्तमान काल, जिसकी परिभाषा है जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे माँ खाना बनाती है, राधा निबंध लिखती है, दादाजी कहानी सुनाते हैं। अब माँ खाना बनाती है में माँ करता है, खाना कर्म है, बनाती है क्रिया है। राधा निबंध लिखती है में राधा करता है, निबंध कर्म है, लिखती है क्रिया है। और दादाजी कहानी सुनाते हैं में दादाजी करता है, कहानी कर्म है, सुनाते हैं क्रिया है। अगर हम ध्यान से इन 3 वाक्यों को देखें तो एक बात हमें ध्यान में आएगी कि कार्य मौजूदा समय में हो रहा है, कार्य पूर्ण हो गया है या अधूरा है, इसकी सूचना हमें नहीं मिल रही है। बस इतना बताया जा रहा है कि कार्य मौजूदा समय में हो रहा है, चल रहा है। कार्य का मौजूदा समय में होना बताया जा रहा है, इसे ही हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया के द्वारा कार्य का होना बताया जाता है, वो भी वर्तमान समय यानी मौजूदा समय में। अब दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसकी परिभाषा है जो क्रिया वर्तमान में आरंभ हुई हो परंतु पूर्ण नहीं हुई हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रतन कार्य कर रहा है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और नेहा लेख लिख रही है। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है पर पूरा नहीं हुआ है, यानी कार्य वर्तमान समय में अधूरा है। रतन कार्य कर रहा है, इसमें रतन कार्य कर रहा है पर अभी वो पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं कर चुका है, वह पूरा नहीं करेगा आने वाले समय में, बल्कि ये पता चल रहा है कि कार्य जो चल रहा है वो अभी चल ही रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है, वो कर रहा है, कार्य कर रहा है, यानी कार्य का क्रिया जाना किया जाना अभी भी हो रहा है, कार्य समाप्त नहीं हुआ है। न तो इसमें भविष्य में पूरा होने की बात कही गई है, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये वर्तमान समय में चल रहा है, इसे वर्तमान समय में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। दूसरा उदाहरण जो है वो अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, न तो आने वाले समय में वो पूरा होगा, ये बताया जा रहा है। यहाँ अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं पर अभी पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब अभी भी कार्य लगातार जारी है, लगातार चल रहा है। जब कार्य लगातार जारी है तो हम उसको पूर्ण नहीं कह सकते हैं, हम उसे अपूर्ण कहेंगे, तो वो वर्तमान समय में अपूर्ण है। नेहा लेख लिख रही है, तीसरा वाक्य जो है वो नेहा लेख लिख रही है। इस वाक्य में नेहा द्वारा लेख लिखने का कार्य अभी भी जारी है, नेहा लेख लिख रही है मतलब लिखने का कार्य उसके द्वारा अभी भी चल रहा है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है, मतलब कार्य पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि अभी भी वह जारी है, चल रहा है, उसकी अपूर्णता हमें दिखाई दे रही है। ये तीनों कार्य लगातार चल रहे हैं, इसका मतलब ये अपूर्ण है, उनको पूरा करने की कोशिश कर्ता द्वारा की जा रही है, अभी भी वे पूर्ण नहीं हुए हैं, वे अपूर्ण हैं। पर कब अपूर्ण है? भूतकाल में अपूर्ण नहीं है, न तो भविष्य में अपूर्ण रहेंगे, बल्कि वर्तमान में अपूर्ण है, इसीलिए हम उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। कर रहा है, पढ़ रहा है, चल रहा है, लिख रही है, तो ये था अपूर्ण वर्तमान काल। और अब तीसरा जो है वो है संदिग्ध वर्तमान काल,
जिसकी परिभाषा है, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, संदिग्न, संदेह हो, उसे संदिग्न वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मदन निबंध लिख रहा होगा, लड़की पढ़ रही होगी, पवन चित्र बना रहा होगा। अगर ऐसा होता कि लिख रहा है तो ये फिर से अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता। यहां क्या है कि लिख रहा होगा, पर अगर यहां ऐसे होता कि लिख रहा है तो वह फिर से अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है, शक जाहिर किया जा रहा है, शंका जाहिर की जा रही है, यानी एक संदेह जारी किया जा रहा है कि मदन निबंध लिख रहा होगा, लड़की जो है वो पढ़ रही होगी, ये उम्मीद लगाई जा रही है वर्तमान समय में। पवन चित्र बना रहा होगा, ये शक है कि पवन चित्र बना रहा होगा, तो इसमें संदेह जगाने के कारण हम इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पक्का पक्का या स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है, बल्कि शंका जताई जा रही है, उसमें संदेह है। तो ऐसे वक्त हम उससे उस वाक्य को संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य कहेंगे। क्रिया द्वारा कार्य के पूर्ण होने में संदेह जताया जा रहा है, इसलिए यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल है। इसके बाद हम देखते हैं भविष्यकाल।